चलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ आईटी अब तक पढ़ लिया था, तो आज हम लोग देखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, तो देखो यहां पर दो तरह टाइप का फंक्शन होता है, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों फंक्शन को समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो चलो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का। एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है, तो देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में समझो। अभी तक जो हम लोग जितना भी सम बना रहे थे, तो सब सम में खासियत क्या थी कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस आ रहे थे वो फंक्शंस कैसे थे, इस टाइप के थे, y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। कहने का मतलब एक साइड y था और दूसरे साइड एक फंक्शन था x के तरह, है ना। तो ऐसा फंक्शन जिसमें कि एक साइड y हो और दूसरे साइड x का कुछ इक्वेशन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो जो फंक्शन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसमें एक साइड तो y है और दूसरे साइड में x का पूरा एक इक्वेशन है। तो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है हमारा, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा ऐसा लिखा हुआ कहीं मिल जाए, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये भी मेरा कैसा फंक्शन है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कहीं पे ऐसा मिल जाए y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या है हमारा, एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कहीं पे ऐसा दिख जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा, तो ये भी हमारा क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो कहने का मतलब क्या होता है ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें कि पूरा का पूरा एक इक्वेशन दिया हुआ है और जिसमें कि एकदम y जो है ना एक साइड हो जाए और x का सारा टर्म्स एक साइड हो जाए, तो जो इस टाइप से बन जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अभी तक हम लोगों ने जो भी सम बनाया था सारा का सारा y इक्वल टू एफ एक्स के तरह का ही सम था, फंक्शन था, और उसी को सॉल्व किए थे, चाहे वो चैन रूल हम लोग लगाकर सॉल्व किए हों, चाहे वो हम लोग ITF लगाकर सॉल्व किए हों, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो वो सॉल्व किए हों, सारा इस टाइप का था। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो हम लोगों ने इसको तो डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy / dx हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2, तो ये तो हम लोगों का किया हुआ है। तो ये था हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अच्छा अब हम लोग किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अब देखो हम लोग बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, तो देखो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली में जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना वो y इक्वल टू एफ एक्स के तरह नहीं होता है, है ना। उसमें एक तरफ छांटा हुआ y नहीं है, एक तरफ x नहीं है, है ना, x का टर्म एक तरफ नहीं है, y का टर्म एक तरफ नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है ना वो ऐसा होता है, एफ एक्स वाई मतलब एक्स वाई का फंक्शन है इक्वल टू a, कहने का मतलब कॉन्स्टेंट है, बहुत जगह ये जीरो भी लिख देता है, तो कोई बात नहीं, एक ही तरह कॉन्स्टेंट, जीरो भी कॉन्स्टेंट हमारा, ये तुम्हारा a हो गया कांस्टेंट, मतलब एफ एक्स वाई इक्वल टू ए। इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन कैसा हो जाएगा, जैसे कि मान लो एग्जांपल देख लो, ठीक है, कि जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, है ना, इक्वल टू वाई स्क्वायर, इस टाइप का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर ऐसा, या फिर वाई स्क्वायर को इधर लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या है ना कि एक तरफ एक्स नहीं है, कि एक तरफ सारा x नहीं है, एक तरफ पूरा y नहीं है, ये क्या x एक तरफ है और एक्स वाई दोनों जो है मिला हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन जिसमें x y मिला हुआ है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो चलो जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा और देख लो, ऐसा ले लो एक्स क्यूब प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू फाइव, तो ये देखो यहां पर क्या है तुम्हारा, इस टाइप का फंक्शन, इधर देखो क्या है तुम्हारा, पूरा एक्स वाई का फंक्शन है, और इधर क्या है तुम्हारा, फाइव है। तो
तो इस टाइप का जो फंक्शन हो गया जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू ए एस, इसमें भी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम लोग इधर ला सकते तो इक्वल टू जीरो हो जाता, तो इसी फॉर्म में आ जाता। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई दोनों क्या है मिला हुआ रहता है, ठीक है, और उसको हम लोग इजिली नहीं कर पाएंगे, एक्स को एक साइड नहीं कर पाएंगे, वाई को एक साइड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आज एक्चुअली में हम लोगों को इस टाइप का फंक्शन जो इम्प्लिसिट फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई अलग अलग छटा हुआ नहीं है, अगर इस तरह का अपने पास क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस चीज को आज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक्सप्लिसिट सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अच्छा, इसी टाइप में और देख लो, कहीं ऐसा हो जाए साइन एक्स वाई इक्वस टू टू ऐसा, तो इसमें भी देखो तुम्हारा एक्स वाई यहां पे एक्स वाई दोनों मिला हुआ है, तो ये जो फंक्शन है वो एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, तो समझ में आ गया इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो देखो आज ये बात हमको समझ में आ गया क्लियरली कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें वाई जो है एक साइड होता है और एक्स का जो पूरा का पूरा टर्म होता है एक साइड होता है, मतलब वाई वाला टर्म एक साइड, सिर्फ वाई एक साइड और पूरा का पूरा एक्स का टर्म एक साइड होता है, ऐसे फंक्शन को एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें क्या हो कि हमारा एक साइड एक्स और वाई दोनों का मिला हुआ टर्म रहता है और हम लोग उसको बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं कि देखो क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड dy बाय dx ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, dy बाय dx निकालते हैं। पहला x माइनस वाई इक्वल टू पाई, तो देखो यहां पर क्या है हमारा, इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो समझ लो कैसे सॉल्यूशन, क्या हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू पाई है, ऐसा है, तो पहले तो इसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बना सकते हैं, अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, इसको हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे बना दें, तो अगर y को हम लोग एक साइड कर लें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस पाई, तो अभी एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाय dx, x का कितना हो गया 1 और पाई का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो यहां से क्या हुआ तुम्हारा dy बाय dx इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां पे बना दिए। तो बहुत बार फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट से इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट बना सकते हैं, बट बहुत बार होता है कि हम लोग नहीं बना सकते हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखो इसी का हम दूसरा तरीका से सॉल्व करके दिखाते हैं कि सॉल्यूशन वाई माइनस सॉरी एक्स माइनस वाई जो है हमारे पास एक्स माइनस वाई इक्वल टू पाई है, तो हमको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, एक्स को एक तरफ छांटने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग ऐसे ही क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो ध्यान से। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं यहां पे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो इधर क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स माइनस वाई, और इधर क्या हो जाएगा डी बाय डी एक्स, ये क्या हो गया तुम्हारा पाई, ऐसा हो गया। अच्छा आप थोड़ा समझो बात ध्यान से, ये डी बाय डी एक्स एक्स माइनस डी बाय डी एक्स वाई दोनों के साथ एक एक करके डिफरेंशिएट कर लिए, और पाई तो एक कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, और कांस्टेंट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, हो गया। अच्छा एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाय डी एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, और डी बाय डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाय डी एक्स हो गया इक्वल टू 0। तो अब हम लोग इस 1 को उठा के उधर ले चलो या dy by dx को उठा के उधर ले चलो, तो dy by dx उधर आ गया, तो इधर क्या बच गया सिर्फ 1। तो देखो दोनों का आंसर हमारा सेम ही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे अब हम लोग जो यहां पर सीख गए कि अगर एक ही तरफ एक्स वाई का फंक्शन हो तो क्या करेंगे, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। एक्चुअली में पूरा इंप्लिसिट फंक्शन का यही जो एक लाइन है ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंप्लिसिट फंक्शन में बस हम लोगों को यही काम करना है कि दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में अपने को डिफरेंशिएट कर देना है, अगर अपने को डीवाई बाय डीएक्स निकालना है तो। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप लोग को अब जो है जैसे यहां पर
साइड मतलब एक तरफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहां पर वाई को हम लोगों ने एक साइड कर लिया, एक्स को एक साइड कर लिया, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग डायरेक्ट ही क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, और इसी डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। चलो कुछ सम और बनाते हैं। चलो तुम्हारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिए हम लोग, y प्लस साइन वाई इक्वस टू कॉस एक्स, ऐसा फंक्शन है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन, y प्लस साइन वाई इक्वस टू कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, क्योंकि अपने को dy बाय dx निकालना है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में अपन लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो रहा है, इस यहां पर क्या हो जाएगा, पूरा में पूरा का पूरा इधर वाले को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इधर वाले को ऐसे लिखते हैं डी वाई डी एक्स वाई प्लस साइन वाई इक्वस टू डी वाई डी एक्स, और ये क्या है तुम्हारा cos x। तो देखो यहां पर दो फंक्शन है, तो पहले तो d बाय डी एक्स वाई, और यहां प्लस d बाय डी एक्स साइन वाई, तो और यहां d बाय डी एक्स cos x, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं d बाय डी एक्स cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन x, ऐसा हो गया। अच्छा यहां पर तो अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, dy बाय डी एक्स है प्लस, बट यहां पर अपने पास साथ दिक्कत है, ये d बाय डी एक्स और ये क्या है साइन वाई। ये जो फंक्शन है ना ये y का फंक्शन है, x का फंक्शन नहीं है, तो अपन लोग यहां पर क्या करेंगे चेन रूल लगाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा d साइन y बाय डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्व टू माइनस साइन x। एक्चुअली में हम लोगों ने यहां क्या किया कि साइन रूल लगाया, चेन रूल लगाया, तो ये साइन वाई वाई का फंक्शन था, इसीलिए साइन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, चेन रूल हम लोगों ने यहां पर लगाया। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। तो देखो अब क्या आ रहा है मेरे पास, अब थोड़ा समझो, तो यहां पर तो अपने पास क्या है डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अच्छा साइन साइन वाई का साइन वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस वाई, तो यहां पर हो गया अपना cos y इंटू, और यहां क्या है तुम्हारा dy वाई बाई डी एक्स इक्वस टू, यहां क्या है तुम्हारा माइनस साइन x, ऐसा हो गया। तो थोड़ा देखो ध्यान से, dy वाई बाई डी एक्स हम लोग यहां से बाहर निकाल लेते हैं, तो जैसे ही हम लोग dy वाई बाई डी एक्स बाहर निकाले, अभी देखो यहां क्या आ रहा है वन, और फिर क्या आ रहा है प्लस cos y, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो एक साइड हो गया वन प्लस cos y, और यहां क्या आ गया माइनस साइन x। ठीक है, इधर क्या आ गया तुम्हारा माइनस साइन एक्स, और क्योंकि अपने को हमको क्या निकालना है डीवाई बाय डीएक्स निकालना है, तो बस डीवाई बाय डीएक्स को हम लोग यहां रखते हैं, और बाद बाकी को माइनस साइन एक्स बाय वन प्लस कॉस वाई को एक साइड लेकर आ जाते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया डीवाई बाय डीएक्स। समझ में आ गया? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन करते हैं इस पर। चलो देखो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं, क्या है तुम्हारा 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, ऐसा है। अच्छा आप समझो बात, यहां पर भी देखो इधर xy है, इधर x है, तो
ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है, डी बाई डी एक्स, टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और ये हो रहा है तुम्हारा साइन एक्स। तो देखो यहां से डी बाई डी एक्स टू एक्स, तो क्या आ रहा है, टू डी बाई डी एक्स एक्स प्लस थ्री डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स का तो डिफ्रेंसिएशन पता है अपने लोगों को, कॉस एक्स होता है। तो टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वन, और थ्री यहां क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स, और यहां क्या बचा, कॉस एक्स, क्योंकि अपने लोगों को निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो भाई इस वाले टर्म को यहां रखते हैं, इसको उठा के इधर लेके आते हैं, तो थ्री डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, कॉस एक्स माइनस टू, ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा अभी देखो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टू बाई थ्री, ऐसा आ गया, समझ में आ गया। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया, तो यही अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वस टू कॉस वाई, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वस टू कॉस वाई। समझो बात, सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वस टू कॉस वाई। तो यहां पर देखो एक साइड एक्स वाई दोनों का फंक्शन आ रहा है, एक्स वाला भी आ रहा है वाई वाला भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह इसको बनाएंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो रहा है यहां पर, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस वाई, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है तुम्हारा, ए कांस्टेंट है तो ए बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स एक्स, बी कांस्टेंट है बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, और यहां क्या हो रहा है तुम्हारा, डी बाई डी एक्स, अच्छा एक्चुअली देखो यहां पर क्या है, कॉस वाई है, मतलब कॉस का फंक्शन है, कॉस किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, तो डी कॉस वाई, और किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, डी वाई, और साथ में वाई डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा अब यहां देखो कि ए एक्स का तो वन आ गया, अच्छा एक बात यहां पर भी तुम ध्यान से देखो, ये तो बी है, अब ये वाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, तो इस वाले चीज को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई इंटू, और फिर वाई का किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, चैन रूल है ना। तो चैन रूल आपको आना बहुत जरूरी है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि चैन रूल हम लोग कैसे बनाते हैं। अब cos y का y के रिस्पेक्ट में माइनस sin y, और यहां क्या हो रहा है तुम्हारा, dy by dx। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू, देखो तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 2y आ गया, और यहां क्या बचा, dy by dx, और इस साइड क्या बच रहा है, माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेके आ जाएंगे, तो यहां माइनस इधर उठा के ले आओ, हमेशा ऐसा काम करना कि माइनस में कम डील हो, है ना, तो ज्यादा इजी होगा हमको, इसको उठा के इधर लाना, इसको उठा के इधर लाना, तो इधर क्या आ गया मेरा ए, ए प्लस है तो यहां आके माइनस ए हो गया, और इसको इधर ले आ, तो टू बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, और
माइनस इधर आके प्लस हो गया साइन वाई डी वाई बाय डी एक्स, ऐसा हो गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से डी वाई बाय डी एक्स हम लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, और अब देखो यहां पर क्या बचा, टू बी वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस है। फाइनली अब क्या आ रहा है तुम्हारा, डी वाई बाय डी एक्स को एक साइड रख लो और माइनस ए, और ये जो इधर मल्टीप्लाई है इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा टू बी वाई प्लस साइन वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आते हैं हम लोग। देखो सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो यहां पर भी देखो तुम्हारा एक साइड एक्स वाई दोनों आ गया है, इधर भी एक्स का भी टर्म है वाई का भी टर्म है, तो हम लोग दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन एक्स वाई प्लस y स्क्वायर इक्वल टू टेन एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड। ठीक है, तो दिस इंप्लाई, अच्छा यहां पर देखो दो टर्म है x का भी और y का भी है, तो यहां हो जाएगा d बाय डी एक्स एक्स वाई प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी बाय डी एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाय डी एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई डी बाय डी एक्स वाई। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा हम लोग अब यहां पे थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करते हैं। एक्स वाई दो टर्म है, तो अगर एक्स को हम लोग छोड़ दें यू वी के टर्म पे, यू को छोड़ते हैं वी का डिफरेंशिएशन मतलब डी वाई बाय डी एक्स प्लस, अभी तो एक्स को छोड़े वाई का डिफरेंशिएशन किए, अभी वाई को छोड़ रहे हैं और x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d बाय डी एक्स एक्स, हो गया यहां तक। अच्छा अभी यहां देखो y स्क्वायर है, y स्क्वायर तो y का फंक्शन है, तो अगर y स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में किया जाए तो क्या हो जाएगा dy वाई बाय डी एक्स। तो देखो हम लोगों ने यहां पे डायरेक्ट चैन रूल लगा दिया, ठीक है, ज्यादा नहीं किया डायरेक्ट, वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y और फिर y का dy by dx हो गया। समझ में आई ये बात, ध्यान से रखना, क्यों, क्योंकि अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन जो होगा थोड़ा लेंदी होते चले जाएगा, तो अगर हम लोग बहुत बार चेन रूल लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होने लगेगा। तो इसलिए अब हम लोग ना धीरे 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 क्या प्रैक्टिस करेंगे कि चेन रूल को हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते चले जाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है, और अब हम लोग ना धीरे धीरे चेन रूल को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा sec स्क्वायर x, और dy by dx तो यहां पर अपने पास है ही। तो हम लोगों का पहला काम क्या है कि सारे dy by dx वाले को एक साइड ले जाओ और जिसमें dy by dx नहीं है उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा बट उसके पहले कुछ हमको है और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा x dy by dx, ठीक है, और देखो ये है तुम्हारा dy by dx, तो प्लस 2y dy by dx ऐसा हो गया। अच्छा देखो यहां पर है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा देखो यहां क्या है तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स यहां है, और अच्छा ये देखो इसमें डी बाई डी एक्स एक्स, ये तो वन हो गया, तो एक्चुअली में ये सिर्फ वाई इंटू वन वाई लिखा हुआ है, तो इधर उठा के ले आते हैं इधर, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस वाई, तो ये इधर आके माइनस वाई हो गया। अच्छा अब सबसे क्या करते हैं डीवाई बाई डी एक्स हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अब यहां पे क्या हुआ x बचा, यहां क्या बचा 2y बचा, यहां क्या बचा माइनस वन बचा। ठीक है, अच्छा यहां क्या है तुम्हारा sec स्क्वायर x माइनस वाई, तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई बाय x प्लस 2y माइनस वन ऐसा। तो ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिक्स नंबर हो गया। चलो
आगे बढ़ते हैं हम लोग अब थोड़ा। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो 7 नंबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहां पर भी देखो एक साइड में एक्स और वाई दोनों का हमको आ रहा है टर्म, तो हम लोग इसको दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। तो सोल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, अभी x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो थोड़ा सा हम बोले थे जल्दी करेंगे, तो x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, अभी यहां क्या है तुम्हारा एक्स वाई, एक्स को छोड़ रहे हैं y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy by dx, प्लस y को छोड़ रहे हैं x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये तो y के रिस्पेक्ट में होगा, अगले स्टेप में ना x के रिस्पेक्ट में होगा, ऐसे इसको करते तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर उसके बाद y का डिफरेंशिएशन dy by dx इक्वल टू 100। तो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट चेन रूल लगा दिया। ठीक है, लेंथी नहीं बनाया, डायरेक्ट चेन रूल लगा दी, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ये सम बहुत लेंथी होने वाला है, बहुत सारा ऐसा जब चेन रूल लगाने लगेंगे तो बहुत सारा चेन रूल लगेगा, तो अब हम लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग कैसे डायरेक्ट चेन रूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो तुम लोग भी इसको अच्छे से घर में प्रैक्टिस करो, जब डायरेक्ट चेन रूल का प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर हम किसी भी डिफरेंशिएशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। देखो यहां पर तो अभी सारा dy by dx वाले को एक साइड रखना है अपने लोगों को, तो ये वाला dy by dx ये है, तो x dy by dx और प्लस 2y dy by dx, इसको एक साइड रख लिया हम लोग, और दूसरे साइड लेके अब लोग किसको चलते, इसको माइनस 2x माइनस y, ये y उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा देखो ध्यान से यहां क्या हो रहा है, dy by dx अपन लोग कॉमन निकाल ले रहे हैं, तो यहां बचा x प्लस 2y, और यहां से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं 2x प्लस y, क्योंकि अपने को चाहिए dy by dx, तो जब dy by dx चाहिए तो हम लोग dy by dx को एक साइड रख लेते हैं, और बाद बाकी को इधर जैसे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2x प्लस y और बाय x प्लस 2y, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया बात, यही हमारा आंसर है, समझ में आते जा रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट भी करते चलना सारा। ठीक है, और हमेशा नोट जरूर करना, जब भी बैठो वीडियो देखने के लिए, वीडियो लेक्चर देखने के लिए, तो आप ना पेन और कॉपी निकाल के बैठो, जब तक नोट नहीं करोगे तब तक कुछ होगा नहीं, नोट जरूर करना है ना, लिखोगे तभी सीखोगे, याद रखना। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है अपने लोगों को, जब भी स्टार्ट करना है पढ़ने के लिए कॉपी पेन लेके लिखना है। ठीक है, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू के, इसको हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना इसका। तो देखो सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू क्या है अपने पास, के है। ठीक है, अब देखो समझो बात यहां पर, क्योंकि एक्स वाई दोनों का टर्म इन्वॉल्व हो रहा है अपना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड अपन लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहां पर देखो, साइन स्क्वायर वाई, तो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर वाई, तो यहां पर देखो फंक्शन किसका आ रहा है, पहला तो साइन स्क्वायर का आ रहा है, तो साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू साइन y, पहला फंक्शन आ गया, ठीक है, क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे हैं लेकिन डायरेक्ट लगा रहे हैं, ध्यान देना, साइन स्क्वायर y, इसको x स्क्वायर समझो, x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, उसी तरह साइन स्क्वायर का क्या हो गया 2 साइन y। अच्छा उसके बाद दूसरे फंक्शन पर चलते हैं, साइन पर, तो साइन का डिफरेंशिएशन, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos y, ठीक है, तो साइन का भी काम हो गया। अब तीसरे फंक्शन पर चलते हैं y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है dy dx प्लस, चलो ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पर हम लोग आते हैं cos xy, तो पहला फंक्शन तो cos का हो गया, तो cos xy का क्या होता है माइनस साइन एक्स वाई। अच्छा फिर अब किसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, xy का करना है, तो xy का करना है तो x को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy by dx, और फिर क्योंकि xy का डिफरेंशिएशन कर रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो x को छोड़ें y का डिफरेंशिएशन हो गया, और y को छोड़ेंगे x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और इधर तो कॉन्स्टेंट अपना, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो चलो देखो यहां से क्या आ रहा है, 2 sin y cos y, एक फॉर्मूला अपने को याद आता है sin 2y, तो ये sin 2y आ गया dy by dx आ गया, और प्लस माइनस माइनस ये क्या है तुम्हारा x sin, अच्छा सॉरी ये cos xy है ना, तो यहां भी सॉरी, तो ये तो sin xy ही होगा, तो ये sin xy है, तो x sin xy dy by dx, अब माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो y साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो अब देखो यहां से क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल रहे हैं यहां से, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया, तो यहां बचा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू, इधर जाएगा माइनस तो प्लस बन जाएगा y साइन एक्स वाई, ऐसा आ रहा है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा अपने को तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहां ऊपर आ गया तुम्हारा y साइन एक्स वाई बाई साइन टू वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग, तो चलो देखो हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो एक साइड में दोनों एक्स और वाई दोनों का टर्म आ रहा है, तो सॉल्यूशन क्या है अपने पास, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 साइन एक्स, पहला फंक्शन एक्स साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो गया, और फिर एक्स का हो जाएगा 1, तो छोड़ देते हैं। अभी यहां पे देखो cos स्क्वायर का 2 cos y आ गया, और cos का माइनस sin y आ गया, और फिर y का dy by dx, और 1 का तो क्या हो गया कांस्टेंट है, तो 0 हो गया इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो यहां से 2 sin x cos x sin 2x, और माइनस 2 sin y cos y sin 2y, और यहां से अपना dy by dx इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो sin 2y dy by dx equals to sin 2x, और यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा dy by dx equals to sin 2x by sin 2y, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा कि कैसे हम लोग फंक्शंस को, जो इम्प्लिसिट फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो दो टाइप का हम लोग देखे फंक्शन, एक में क्या था y एक साइड था और x वाला सारा एक साइड था, और इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि xy दोनों मिला हुआ है,
तो हमने दोनों टाइप का सीख लिया। अब जो आगे हम लोग इंटर क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन बनाएंगे, तो उसमें हम लोगों को इसका कोई चिंता ही नहीं होगा कि y किधर है x किधर है ना, हम लोग बस सीधा उसका डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बाय।